राष्ट्रीय हिंदी दैनिक धर्ममित्र श्रम ही आधार, सिर्फ खबर से सरोकार। यूपी में कांग्रेस और सपा को बड़ा झटका, विधायक नरेश सैनी और हरिओम यादव भाजपा में हुए शामिल। भारत और चीन के बीच चल रही कोर कमांडर स्तर की 14वीं वार्ता, आर्मी चीफ ने कहा उत्तरी और पश्चिमी सीमाओं पर हुआ सकारात्मक विकास। एशेज में हार का खामियाजा भुगतेंगे इंग्लैंड के खिलाड़ी, आईपीएल में खेलने पर बड़ा फैसला ले सकता है ईसीबी। पीएम मोदी की सुरक्षा में चूक के मामले में जांच कमेटी के गठन का स्वागत करते हुए पूर्व आईपीएस किरण बेदी ने कहा जिम्मेदार अधिकारियों को चुकानी पड़ेगी कीमत। रिपोर्ट में हुआ बड़ा खुलासा, सर्दियां शुरू होते ही बिहार सहित कई राज्यों में जहरीली हो रही हवा। राष्ट्रीय युवा महोत्सव के शुभारंभ पर बोले पीएम मोदी, भारत आज जो कहता है दुनिया उसे आने वाले कल की आवाज मानती है। रिटायर्ड जज इंदु मल्होत्रा करेंगे पीएम सुरक्षा चूक मामले की जांच, पिछले साल हुई थी रिटायर। कोरोना के बढ़ते मामले देख केंद्र के राज्यों को चिट्ठी, ऑक्सीजन का पर्याप्त बफर स्टॉक सुनिश्चित करने के निर्देश। दक्षिण कोरिया में नया चुनावी मुद्दा बने बाल, गंजेपन का इलाज करा रहे लोगों को मदद का ऐलान। केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी हुए कोरोना संक्रमित, संपर्क में आए लोगों से जांच कराने का किया आग्रह। केरल में कांग्रेस सांसद हिबेडन का बयान, इडुक्की में एसएफआई कार्यकर्ता की मौत दुर्भाग्यपूर्ण, अपराधियों के खिलाफ हो अनुकरणीय कार्यवाही। पीएम मोदी ने तमिलनाडु में 11 नए सरकारी मेडिकल कॉलेजेस का किया उद्घाटन, सीआईसीटी की भी देंगे सौगात। भूटान की जमीन हड़पने में जुटा चीन, विवादित सीमा में 6 स्थानों पर बना रहा 2 मंजिला इमारतें। कोरोना वायरस की रफ्तार को देखते हुए दिल्ली के साथ यूपी और हरियाणा के शहरों में भी लगे नए प्रतिबंध। वैक्सीन और इंसुलिन को सुरक्षित रखने के लिए अब थर्माकोल के बॉक्स और बर्फ की नहीं होगी जरूरत, कानपुर के विशेषज्ञों ने बैटरी से संचालित पोर्टेबल वैक्सीन स्टोरेज डिवाइस की तैयार। तालिबान ने दी तजाकिस्तान और उज्बेकिस्तान को चेतावनी, कहा अफगान विमान वापस करें या परिणाम भुगतने को रहें तैयार। पाकिस्तान के खैबर पख्तूनख्वा में भारी बारिश से मरने वालों की संख्या हुई 18, राहत व बचाव अभियान जारी। भारत में अमेरिकी राजनयिक के लिए एरिक एम गार्सेटी हुए नामित, फॉरेन रिलेशंस कमेटी करेगी वोटिंग। पाकिस्तानी नागरिकों को भारतीय वीजा दिलाने के लिए फर्जी दस्तावेज तैयार करने के आरोप में जोधपुर में 4 लोग हुए गिरफ्तार। मध्य प्रदेश के छतरपुर में सामने आया सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र की लापरवाही का मामला, सैंपल लिए बिना ही महिला को बता दिया कोरोना संक्रमित। 24 घंटे के अंदर भाजपा को दूसरा बड़ा झटका, यूपी के कैबिनेट मंत्री दारा सिंह चौहान ने भी दिया इस्तीफा। जम्मू कश्मीर में अंतर्राष्ट्रीय सीमा पर मंडराता दिखा ड्रोन, सुरक्षा बलों ने चलाया तलाशी अभियान। जम्मू कश्मीर सरकार ने अधिनियम और नियमों में किया संशोधन, 2 मूल वेतन से अधिक मूल्य की संपत्ति का ब्यौरा देंगे कर्मी। मुसीबत में स्वामी प्रसाद मौर्य, धार्मिक भावनाएं भड़काने के मामले में गिरफ्तारी के लिए वारंट जारी। इंडोनेशिया ने हाल ही में कोयले के निर्यात पर लगाया पूर्ण प्रतिबंध, जापान, दक्षिण कोरिया व फिलीपींस इस फैसले से हैं परेशान।